नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक के बगलान में भारी बारिश से फर्श बह गया। बगला पथवे दिगर अबलबाड़ी रोड की फर्श बह गई। आने जाने की बड़ी समस्या है, इसलिए किसानों और ग्रामीणों की ओर से सड़कों पर पुल बनाने की मांग की जा रही है। भारी बारिश के कारण यहाँ की नदियाँ और नाले उफान पर हैं। नदियों और नालों में पानी भर गया है। वाहन मालिकों को सड़क पर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौपहिया वाहनों को सड़क पर लाने के लिए वाहन चालकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चीपा द्वारा की लांगी लावन में 90 घर हैं और वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ अस्पतालों, दूध उत्पादकों, सब्जी बाजारों आदि में काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। साथ ही बाघ से गाँव पहुँचने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। इसलिए क्षेत्र के नागरिकों की मांग है कि प्रशासन इस जगह का निरीक्षण कर जल्द से जल्द हट्टी नदी व अबलबाड़ी रोड पर पुल बनाए। कैमरा मैन गोविंद ठाकरे के साथ नासिक जिला हेड लक्ष्मण चोरी की रिपोर्ट। पठवेदिगर गावाचा रहिवासी असून काल अचानक ढगफुटी झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे। आणि इथं जे आपली जी फरशी जे अबलबाडी इथं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे। आता येण्या जाण्यासाठी खूप अडचण होती आणि संपर्क त्याच्यामुळं प्रशासन आणि इकडे व्यवस्थित लक्ष देऊन पूल वगैरे टाकून आणि नागरिकांना व्यवस्थित येण्या जाण्याचा मार्ग मोकळा करावा ही आमची सगळ्यांची गावकऱ्यांची मागणी आहे। आणि इथं पाहिल्यानंतर खूपच काही मोठं नुकसान झालेलं आहे। आता जर पाहिलं तर इकडं असेल त्यांच्या कोणाही मार्फत होऊन लवकर नागरिकांना व्यवस्थित पुलाची व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे ही आमची मागणी। आमकडे अग्रभाई सरपंच होते आमच्या गावची आवळबारी रस्ते तुटलेले तरी आता आमदारांनी पाणी करावे दिले त्यांनी मंजुरी करावी पुलाची मंजुरी करावी ही आमची विनंतीपूर्वक मोठी प्रकार आम्ही नागरिक येण्या जाण्यासाठी व्यवस्थित हे होईल। आता काहींचे कांदे काढणे येऊन गेलेले आहे त्याच्यामुळे इथून जाता येणार नाही। ते पावसाच्या याच्याने पूर्णतः पाईप धुतले गेलेलं आहे। त्या अनुषंगाने आपण पठावे गावातील नागरिकांकडून त्यांची काय भूमिका आहे ते आपण आज ऐकणार आहोत। आमचं यावळ फारीचं वर्ष तुटलेलं आहे तर या जायला काही वाल जातो आणि मालीन वाहना नाही त्रास होतो। आपीनापी व्हाल पाहिजे मंजूर व्हाल पाहिजे आणि आपीआपी पूल झालं पाहिजे। आणि नंतर खासदार आमदार आहेत काही कोणी लक्ष देत नाही। बागला तालुक्यामध्ये कोणी लक्ष देत नाही।